नमस्कार, आप सबका मंगल हो। आपका प्रश्न है कि करवा चौथ का व्रत क्या हम मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं? तो करवा चौथ का ही व्रत या पूजन नहीं, कोई भी पूजन मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम में बहुत से ऐसे डिटॉक्स जो है निकलते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें पूजन एक पवित्र विषय है। जैसे हम लेबोरेटरी में बिना एप्रिन पहने नहीं जाते, बिना जूतों के जाते हैं, या जो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं वही जूते पहन करके जाते हैं, ठीक उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत भी, हर व्रत हर पूजा भी वही उसी पवित्र भाव को दर्शाती है। उसमें हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। अतः अच्छा ये होगा कि आप व्रत रखें और आपके बदले आपकी जो पूजा है वो आप अपने पति से कराएं। यदि पति कहीं बाहर हैं तो कोई भी अन्य सौभाग्यवती स्त्री भी उस व्रत को आपकी पूजन आपकी कर सकती है। व्रत आप रख लें और प्रार्थना आप कर लें, और पति यदि हैं तो पति से कराएं। इसमें गणेश जी का पूजन होता है और इसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियाँ और कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं और कर सकती हैं। किंतु आप यदि ऋतुमती हैं, पीरियड से हैं, तो आपको इस समय व्रत तो भले रखना चाहिए किंतु पूजन आदि की वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए, भोजन आदि पवित्र वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, और यह सब कार्य पति से कराना चाहिए। और चंद्र उदय के समय चंद्र को अर्घ देना चाहिए और गणेश जी को भी अर्घ और पूजन करना चाहिए। चंद्रमा सभी शहरों में अलग अलग समय में निकलते हैं। भोपाल शहर में चंद्रमा करीब 9:45 बजे यानी 9:30 बजे के आसपास जो है सूर्य 9:30 के बाद और 9:45 के बीच में चंद्र उदय होगा। तो चंद्र का अर्घ करें और पति की लंबी आयु के लिए उस व्रत को अवश्य रखें, किंतु पूजन ना करें। आप सबका मंगल हो, आप सबको करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं।